महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने महिला आईटीआई में चल रहे 6 ट्रेड महिलाएं ले रही प्रशिक्षण। विश्वविद्यालय स्टेडियम के पास स्थित महिला आईटीआई में कुल 261 सीटें हैं, जिनमें से 120 सीटों में एडमिशन हो चुका है और वर्तमान समय में एडमिशन भी चल रहा है। वर्तमान में फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रीशियन, मल्टीमीडिया सहित 6 ट्रेड यहां पर चल रहे हैं, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे यहां प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को अच्छा रोज़गार मिल सके और अगर रोज़गार ना भी मिले तो वो अपना खुद का रोज़गार कर सकें। यहां प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षार्थी महिला आईटीआई को मिली नई उपलब्धि के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। महिला आईटीआई में संचालित इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रति लड़कियों का काफ़ी लगाव है और काफ़ी संख्या में छात्राएं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण ले रही हैं। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के हम छात्र हैं, हम इसको सीख के मतलब खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और यहाँ पे प्रशिक्षण हमारी आई टी में बहुत अच्छा मिल रहा है, जिससे हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ हम लोग आगे चल के बढ़ सकते हैं और बहुत ही इजी मैम बता रही हैं, सब कुछ इतने अच्छे से समझा रही हैं कि अपन लोग के समझ में सब कुछ आ रहा है। मैं आईटीआई में फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, जो कि यहाँ मैम बहुत अच्छे से और बहुत मतलब अच्छे तरीके से बताती हैं, जिससे हम आगे बढ़ेंगे और खुद के पैरों में अपने से ही कुछ करने के लिए। क्या क्या सीख चुकी हैं अभी आप? अभी हमने ड्राफ्टिंग बनाना सीखा है और पेंटिंग मैम सिखा रही हैं और स्मोकिंग की डिज़ाइन सिखा रही हैं और बाकी चीज़ें मैम जो हमको सिखा रही हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत मतलब हमको समझ में आता है ऐसा सिखाती हैं। अभी हमारे यहाँ देखिए वैसे हमारे यहाँ स्वीकृत 261 सीटें हैं, निर्धारित हैं, लेकिन जो अभी एडमिशन जो हमारे हुए हैं, अभी एडमिशन के हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही है, तो करीब 120 एडमिशन हमारे इस सत्र में हो चुके हैं। और हमारे यहाँ जो ट्रेड संचालित हैं वो हैं, एक तो इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग का जिसको हम लोग कोपा बोलते हैं, और फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्स हैं, इसी तरह बेसिक कॉस्मोलॉजी का है, मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट का एक ट्रेड है, स्विंग टेक्नोलॉजी है ना, इतने ट्रेड हैं, 6 ट्रेड हैं यहाँ पर और 6 ट्रेड में करीब 261 कुल सीटें निर्धारित हैं। इस साल आपके यहाँ की क्या खास उपलब्धियाँ हैं? देखिए साहब, इस साल तो हमारे यहाँ एक बहुत विशेष उपलब्धि जो ये रही कि अभी हमारे यहाँ कुछ ट्रेड जैसे कोपा का एक बैच हम लोग का एनसीबीटी में संचालित था, वो उसको हमने एनसीबीटी में कन्वर्ट करा दिया, एफिलेट करा दिया। फैशन टेक्नोलॉजी में एक बैच ही हमारे पास एनसीबीटी में था, अभी हमारे पास 4 बैच हो गए, 4 यूनिट हो गई उनकी। बेसिक कॉस्मोलॉजी हमारा कई वर्षों से एनसीबीटी में संचालित था, अभी वो हमारे इसमें पूरी तरह से एनसीबीटी में हो गया। तो ये हमारी इस साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कई वर्षों से पेंडिंग में चल रहा था, इस साल हम उसको करा पाने में सफल रहे हैं। इससे लाभ मिलेगा प्रशिक्षार्थियों को कि वो राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कोई डिमांड निकलती है तो उस पर वो अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो एससीबीटी होने से क्या वो सिर्फ राज्य स्तर पर ही उस पर अप्लाई कर पाते थे। ये विशेष आप क्या एक ब्रांच है इलेक्ट्रीशियन जी, महिला और इलेक्ट्रीशियन जी, ये दो अलग अलग शब्द समझ में आते हैं, इस पर कैसा रुझान है महिलाओं का? जी देखिए, हम लोग को भी लग रहा था पहले कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में महिलाओं का रुझान कम होगा, लेकिन बच्चियां बहुत बढ़ चढ़कर, और मैं तो देखता हूं उनको ट्रेनिंग करते हुए, तो कई मामलों में तो बच्चों से भी बढ़कर उनके अंदर उत्साह है, तो ऐसा लगता है कि महिलाएं किसी भी उसमें पीछे नहीं हैं, कोई भी इनको काम मिले तो बड़े ही गंभीरता के साथ में और बहुत अच्छे से लेती हैं।